हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे यूज़ करना है लाइव मार्केट में। ठीक है, कि हम मतलब क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाएं लाइव मार्केट के अंदर, कि हम कैसे यूज़ करें। तो 3-4 दिन का डाटा देखेंगे। ठीक है, वीडियो 10 से 12 मिनट की होगी, पूरी देखना तभी जाके समझ आएगी चीज़ें। तो कल के हिसाब से देखते हैं, कल कहाँ पर ओपनिंग हुई थी। 9:15 की कैंडल ओपन हुई है आपकी लगभग 46,700 के आसपास। ठीक है, फिर एक ग्रीन और आई है। ठीक है, फिर एक मतलब पुट में बुलाया गया है लोगों को। इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद भाई कोई बाइंग तो सोचेगा नहीं, कितने पॉइंट की है। जो रिटेलर होते हैं हमारे, जो नए 130 पॉइंट की कैंडल है ये, तो भाई सब गए होंगे पुट में। रिटेलर ने यहाँ पुट खरीदी होगी, और यहीं ऑपरेटर का काम चालू होता है। ये वाली स्ट्रेटजी मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ। तो भाई वीडियो को सेव कर लो और दोस्तों को शेयर कर दो जो जो ट्रेडर हैं, और भाई बताना कैसे स्ट्रेटजी। तो भाई जो रिटेलर है वो पुट साइड में इसके कैंडल के लो पे यहाँ पे पोजीशन बनाने चालू करते हैं अपनी, जो नए नए रिटेलर हैं जिन्हें अभी हुआ टाइम ज़्यादा नहीं है। तो भाई यहाँ पे पुट लेंगे वो। ठीक है, सोचते हैं कि भाई नीचे जाएगी मार्केट, अब तो सेलिंग करेंगे दबा के। ठीक है, क्योंकि ब्रेक डाउन हो गया पिछले सपोर्ट का बढ़िया से, मतलब इस विंस के नीचे आराम से क्लोजिंग भी आई है, तो मतलब पुट के लिए मतलब कंफर्मेशन मिल गई। लेकिन हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, हमें अगली कैंडल का इंतज़ार करना है। अगली कैंडल ग्रीन बनी तो मतलब पुट वाले फंसे, और ग्रीन कितनी बनी है लगभग 0.5 तक, मतलब आधी कैंडल को कवर कर दिया इस कैंडल ने। अगर आधी कैंडल कवर करके कोई कैंडल बन रही है रेड, जैसे ग्रीन बनी, ये तो रेड है, अगर ग्रीन बनती यहाँ पे, इसकी जगह अगर ग्रीन होती फिर रेड बनती, तो हमारी पुट साइड में एंट्री होगी। और ये रेड बनी है फिर छोटी आधी ग्रीन बनी है, तो मतलब अब पुट साइड में हंटिंग होगी, स्टॉप लॉस हंटिंग जिसे कहते हैं। तो भाई उससे अगली कैंडल तुम चेक कर सकते हो कहाँ तक गई है। 1:2 आराम से देखे जाती, 1:3 देख गई है। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था बैंक निफ्टी में, 180 पॉइंट का टारगेट। दिस इज द ट्रेड। ठीक है, लॉजिकल ट्रेड है। अभी मैं और दिखाऊंगा, एग्जांपल दिखाऊंगा दबा के, वो भी तुम्हें समझ आनी चाहिए चीजें समझने पे फोकस करना इस समय। ठीक है, ये तो कल वाला सीन हो गया कल। ठीक है, ये ट्रेड मेरे से छूट गई थी यार, मैं ध्यान नहीं दिया, कभी कभी होता है, लेकिन मैं छोड़ता नहीं हूँ ये वाली ट्रेड ज़्यादातर। थोड़ा सा बस कल मिस्टेक हो गई थी, कोई नहीं, अब पिछला डाटा दिखाते हैं। लेकिन भाई उन ट्रेडों को कभी मत छोड़ो जो तुम्हारे सेटअप पे बने, ये गलतियां मत करना कभी भी, अन्य गलत एंट्रियां लोगे, पैनिक होके। कल था अपना 21 मार्च, कल 21 थी तो भाई ये 19। ठीक है, 20 मार्च की 9:15 कैंडल का है ये, 20 मार्च को ओपनिंग हुआ है यहाँ कहीं, 46,470 के आसपास। तो भाई 20 मार्च को यहाँ ओपन हुआ है। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या सीन हुआ है। रुको, मैंने पहली चीज क्या कही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच लेना है। इसने यहाँ ओपनिंग करने के बाद ये रेजिस्टेंस क्रिएट करके नीचे आया मार्केट। ठीक है, सपोर्ट क्या था, पिछला सपोर्ट, प्रीवियस डे का सपोर्ट था ये वाला। ठीक है, आओ अब तो मैं ट्रेडे दिखाता हूँ, दो कल परसों तो दो ट्रेडे बनी थी अपने सेटअप की। मेरा सेटअप क्या है, फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट। ये सपोर्ट था प्रीवियस कल का 18 मार्च का, और 20 मार्च को मार्केट ने इसे ब्रेकडाउन करा है। भाई साहब बहुत गंदा फंसे होंगे जो जो जिसने यहाँ ट्रेड लिया होगा पुट साइड में। रिटेलर यहाँ पुट लेगा, अपने को पुट नहीं लेना, अपने को इंतजार करना है एक ग्रीन कैंडल का। ग्रीन कैंडल मैंने कहा 50% पे एंट्री होगी, 50% पे एंट्री करने को कहा है बार बार। इस कैंडल के हाई को और इसके लो को नापो वींस तक, 0.5 का लेवल यहाँ है, अपनी एंट्री यहाँ होनी थी यहाँ पे, और इसका स्टॉप लॉस है 106 पॉइंट का। 1:3 मिनिमम का है या 1:2, क्योंकि भाई जब तक उस पर काम नहीं करोगे अपने, कितना दे रहे हो कितना ले रहे हो ये जरूरी है। ठीक है, 1:2 कितना मिला था इसमें,
इस ट्रेड में पर्सनली कितने पॉइंट कैप्चर होते हैं? 500 पॉइंट की भाई। ये वाली स्ट्रेटेजी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ अभी, मैं इस पर काम कर रहा हूँ अभी, और काम करने की ज़रूरत है। 2 से 3 महीने बाद इस स्ट्रेटेजी को मैं और तगड़ा करूँगा, अभी काम कर रहा हूँ और भाई तगड़ा करने की कोशिश। और मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ भाई, यूज़ करो, सीखने पे फोकस करो अभी, ठीक है? स्टॉप लॉस कितना था भाई? 120 पॉइंट का टारगेट, 560 पॉइंट। अब तुम खुद हिसाब लगाना कितना गुना है, ठीक है? प्रॉफिट कितना मिलता और लॉस कितना होता अगर तुम्हारे खिलाफ गई, वैसे गई नहीं है, साथ में गई है। एक ट्रेड अपनी ये वाली होती, यहाँ पे अपनी कोई लॉजिकल ट्रेड नहीं थी, क्योंकि अपन को अपने ट्रेड का इंतजार करना है, यही मेन इम्पोर्टेंट होता है मार्केट में। अब अपनी ट्रेड कब बनी? फिर दूसरी ट्रेड बनी अपनी 1 बजे, 1:20, 1:25-30 के आसपास। देखो मैंने कहा सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच लिया, खींच लिया भाई सबने, ठीक है? सपोर्ट अब की बार रेजिस्टेंस तोड़ा है प्रॉपर, ठीक है? अपनी एंट्री कहाँ होती? ये रेड कैंडल बनी, यही एंट्री होनी थी अपनी तुरंत। टाइम नहीं लगाना सोचने में कि भाई ले ना ले, भाई ले ना ले का चक्कर में नहीं होते हम। 55 पॉइंट का एसएल था, अगर इस कैंडल के ऊपर एक भी कैंडल ग्रीन क्लोज होती तो अपन गलत हो गए। गलती मानो और काटो, यूं नहीं कि होप अरे भाई जाएगा जाएगा, भाई नहीं जाएगा यार, तो मार्केट का बादशाह थोड़ी है, तेरे कहने से जाएगी चीज़ें, समझ रहे? तो भाई ये वाला यहाँ पे कई बार मार्केट आया है, पहला टारगेट अपने को यही लेना था, पहला टारगेट अपने को यही लेना था, समझ रहे हो? चीज़ों को प्रीवियसली चीज़ों को मैच करते हुए चलो, हमेशा टारगेट और स्टॉप लॉसों को। टारगेट कितना मिलना था अपने को? मिनिमम 270 पॉइंट, स्टॉप लॉस 55 पॉइंट 56। अब तुम भाई अंदाजा लगाओ कि स्ट्रेटजी कैसी है। ऐसी स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो भाई पैसा छापोगे अंधाधुंध, ठीक है? आओ अब ये कितने तारीख की थी? 19, 20 की हमने कर ली, अब 19 में आ जाओ। 19 में नहीं, हाँ 19 मार्च को मार्केट कहाँ ओपन है, तो मैं सारा डाटा दिखाऊंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा इस स्ट्रेटजी को यूज़ करे करो। ये 300 के चक्कर में मत पड़ो, ये ट्रेड भी सुनील पुनील दूसरों के चक्कर में रहोगे कभी पैसा नहीं बनेगा भाई। अपनी मेहनत करो, कोई किसी को कमा के नहीं देने वाला, ठीक है? तो भाई ये वाली ट्रेड 19 मार्च 9:15 तक आ चुके हैं हम, ठीक है? 19 मार्च 9:15 चेक करना पड़ेगा अपने को। ये तो 21 है भाई, 19 पे जाओ, 19 मार्च कहाँ है तू? 19, हाँ भाई आ जाओ, दोबारा ट्रेड देखते हैं 19 मार्च को बनी है कि नहीं। हाई लो मार्क कर लिया इस कैंडल का, और प्रीवियस का भी यहीं कहीं सपोर्ट था। 9:15 को कुछ नहीं, बैठे हैं शांति से बैठे, कोई दिक्कत नहीं, कोई ट्रेड नहीं, साइडवेज। हाँ अब आया सेटअप, चलो जी 2:20, ठीक है जी? इनने करा ब्रेक डाउन, लो तोड़ा है भाई प्रॉपर, पुट में बनाएंगे वो रिटेलर आदमी। अपने को क्या करना है? अपने को कुछ नहीं करना, अपने को फंसाना है 0.50 पे एंट्री। ये क्या बना रहा हूँ मैं, शॉर्ट पोजीशन नहीं है, लॉन्ग पोजीशन लगेंगी ना यहाँ का। 0.50 पे एंट्री, स्टॉप लॉस इसी का लो, टारगेट देख लो भाई, 3:00 तक कहाँ तक गई है इस हाई तक का, 1:4 के आसपास का टारगेट था। तो भाई अपने सेटअप का इंतजार करना है, एक ट्रेड मिले चाहे दो, इस सेटअप पे ट्रेड मिलना ही मिलना है, ठीक है? ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैंने बनाई है, अंश भाई ने, तो भाई स्ट्रेटजी काम कर रही है, ठीक है? और बताता हूँ अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, एक तो स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपनी जो बने। अब दिखाता हूँ, 19 से पहले 18 में आ जाओ, 18 की 9:15 वाली कैंडल कहाँ है भाई? 9:15 ये नहीं, ये रही 9:15 कैंडल, 18 मार्च, ठीक है? कुछ नहीं है, कोई सेटअप नहीं, हाई और लो प्रीवियस वाला भी माफ करना है और टुडे वाला भी। ये प्रीवियस के हाई लो हो गए, और आज का हाई लो क्या था? ये रहा अपना आज का हाई लो 9:15, ये कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ कल के प्रीवियस में घूम रहा है मार्केट, घूमन दो अपने एंट्री नहीं होनी चाहिए अपनी, क्योंकि प्रीवियस का भी लो नहीं टूटा,
यहीं से फिर सपोर्ट लिया गया, कोई एंट्री नहीं। अब आओ, अब जाग जाओ भाई, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर जागता है। ये रेड कैंडल आई, ऑपरेटर यहाँ पुट नहीं खरीदेगा, पक्की बात। पुट खरीदेंगे रिटेलर, समझ गए? अपने को क्या लेनी है, जैसे ही रिजेक्शन आया भाई तुरंत एंट्री इस ग्रीन कैंडल पे अपनी बननी थी, और इसी का स्टॉप लॉस होता 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। और टारगेट देखो हाई तक का 400 पॉइंट भाई, 1:8 मिलता भाई मेरे, वो भी सिंगल दो कैंडल में, एक और दो। तो भाई अपने सेटअपों पे काम करो, फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन ये मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करे हैं, आजकल मार्केट बना रही है, तुम बनो मत, ठीक है? तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो, शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों में, जो जो ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, जो मतलब करना चाहते हैं, जो मतलब थोड़ा बहुत स्कैल्प मारना चाहते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी उन्हें काम आएगी, तुम्हें भी काम आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कीप ग्रोइंग, थैंक यू। 19 मार्च 9:15 तक आ चुके हैं हम, ठीक है।